हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है और इसके प्रोग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं HTML पे। तो आइए जान लेते हैं कि स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स के प्रोग्राम, जो कि पेंट लाइक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं जिनका यूज करके, वो प्रोग्राम हम कैसे लिख सकते हैं HTML में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर डॉक टाइप HTML में दे देता हूँ और यहाँ पे HTML, और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है HTML, क्योंकि डॉक टाइप लिखने के बाद हमें HTML देना होता है, तो ये हमने HTML दे दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें लिखना है बॉडी, ठीक है। टाइटल का कोई यूज नहीं और हेड का कोई यूज नहीं, दैट्स वाई मैं ये नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट बॉडी पे आ जाता हूँ। तो यहाँ हमने लगा लिया बॉडी, और बॉडी लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स का यूज करना है, यानी SVG का, ठीक है। तो यहाँ लिखना है SVG, ओके। और यहां पर इसकी विड्थ देनी है कि कितना हमें इसकी चौड़ाई रखनी है, तो ये दे दिया हमने 100% दे दिया, परसेंट नहीं देंगे यहां पे, तो ये दे दिया हमने। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इसकी हाइट देनी है, तो हाइट यहां पे दे देता हूं मैं इज इक्वल टू, हाइट भी रख देता हूं 100, ठीक है। और 100 रखने के बाद अब इसको कर दीजिए क्लोज। अब फिर हमें सर्कल ड्रॉ करना है, जो भी आपको ड्रॉ करना हो, तो यहां सर्कल मैं लिख लेता हूं, ठीक है। अब एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस, तो यहां मैं लिखता हूँ CX, और ये कितना रख देता हूँ, ये रख देता हूँ मान लीजिए 60, मैंने क्या रखा 60 रखा है, ठीक है। और फिर CY, y एक्सिस की बात करेंगे तो CY इज इक्वल टू, यहां पर भी क्या रख लेता हूँ 60 रख लेता हूँ, तो ये डबल इंटेड कोर्ट्स में रहेगा। और इतना करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए, और इसके बाद फिर क्या करना है आपको, इसकी रेडियस जो होगी, इसको मैं R से डिनोट करता हूँ, रेडियस जो है वो कितनी रखनी है आपको, तो वो यहाँ पे दे देंगे हम, तो ये मैं रेडियस कर देता हूँ 45, ओके। तो इसको भी डबल डॉटेड कोट्स में रखिएगा, ओके। अब फिर क्या करना है, इसको यहाँ से कर देता हूँ मैं, यहाँ पे हम स्ट्रोक लगा सकते हैं, तो यहाँ लिखूंगा स्ट्रोक, ओके। और स्ट्रोक यानी कि इसका जो आउटलाइन होगा वो किस कलर का आएगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे स्ट्रोक लिखा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि आउटलाइन इसका रेड कलर में आएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, स्ट्रोक की विथ देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रोक यानी आउटलाइन कितनी मोटी होगी, ठीक है, तो स्ट्रोक और फिर डैश देके लिखेंगे विथ, तो इज इक्वल टू मैं करता हूँ यहाँ पे 6 कर देता हूँ, ठीक है, और ये भी डबल इंटेड कोट्स में रहेगा। इसके बाद इसको फिल किस कलर से करना है आपको, जिस भी कलर से फिल करना है वो यहाँ पे दे दीजिए आप, फिल इज इक्वल टू कौन से कलर से आप फिल करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ ब्लैक, बिकॉज हमने यहाँ ऑलरेडी जो है लगाया हुआ है रेड, ठीक है, इस वजह से मैं यहाँ ब्लैक दे देता हूँ। और अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक चीजों को क्लोज करते हुए चलना है। जैसे पहले हमने SVG एलिमेंट को ओपन किया था, यहाँ से उसको पहले क्लोज कर लेंगे, यहाँ पे SVG को क्लोज किया हमने, और SVG को क्लोज करने के बाद नीचे आइए, फिर बॉडी को क्लोज कर डालिए, और फिर देन HTML को क्लोज कर दीजिए। ये आपका प्रोग्राम बन करके तैयार है, और स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स का ये प्रोग्राम रन कर जाएगा, आपका पेंट लाइक जो है फिगर ड्रॉ हो जाएगा। मैं यहाँ लिखता हूँ स्टार, हालांकि ये सर्कल है, .html, और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। आइए चलिए देखते हैं इसका आउटपुट हमारा कैसा आता है। ये यहाँ पर आएंगे हम, और ये हमारा स्टार है, इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं कैसा आ रहा है हमारा। ये देख सकते हैं ये आउटपुट आया हुआ है, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं ये कटा हुआ सा सर्कल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर आप इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, जैसे अगर आप कोड में थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, तो आप ये देख पाएंगे कि ये किस तरह से दिखेगा। जैसे यहाँ 45 है, यहाँ मैं 40 कर देता हूँ, और इन दोनों को मैं रखता हूँ 50-50, ठीक है। ये यहाँ पे 50 कर दिया मैंने, और यहाँ पर इसको मैं 50 अगर कर देता हूँ, ये देखिए इसको 50 किया, और इसको जो विथ है इसकी स्ट्रोक की, इसको इतना ही रखता हूँ, और यहाँ से फिर इसको सेव करता हूँ। अब देखते हैं इस प्रोग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब इसको दोबारा से रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखिए ये पूरा सर्कल ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और ये पेंट लाइक स्ट्रक्चर बना। अच्छा, ये जो आपको दिख रहा है आउटलाइन, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। यहाँ पर जो सर्कल के लिए हमने ये लगाया है,
ये देख सकते हैं स्ट्रोक विथ जो दिया हुआ है, स्ट्रोक विथ 6 दिया हुआ है, तो इसको हम बढ़ा देंगे। यहां से हम क्या करेंगे, अगर इसको घटाते हैं, जैसे हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तो क्या होगा, तो ये कम हो जाएगा। ये देखिए यहां से इसको मैं फिर दोबारा से रन करता हूं, तो ये देखिए ये बिल्कुल थोड़ा सा हो गया है, मतलब इसका जो विथ है वो पतली हो गई है। तो ये चारों तरफ जो है रेड कलर में जो है इसकी मोटाई जो है कम हो गई है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, एक कदम और बढ़ाते हैं इसमें। ये जो हमने दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रोक रेड किया हुआ है और यहाँ ब्लैक किया हुआ है। अभी मैं क्या करता हूं, इसको कर देता हूं ब्लू, ये ब्लू कर दिया हमने, और यहां पर फिल कर देंगे हम किस कलर से, चलिए ग्रीन कर देते हैं, आपने कहा ग्रीन तो ग्रीन कर देता हूं मैं, तो ये हमने ग्रीन कर दिया। अब देखिए ये ग्रीन कलर में आएगा, तो यहां से इसको रिफ्रेश किया हमने, अब ये देखिए ये ग्रीन कलर में आ रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स का HTML में क्या यूज है ये आगे चल करके और भी ज्यादा डीपली तरीके से हम सीखेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।